Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about second law of reflection, characteristic of image formed by plane mirror, and formation of image by a plane mirror. Right. Today we are discuss about regular and irregular reflection and multiple images. When you hold a plane mirror in front of you, you see your face. This is because entire light that falls on a surface is reflected in a definite direction. Such reflection is called regular reflection. The phenomena due to which parallel beam of light on striking a smooth and highly polished surface like plane mirror is reflected back as a parallel beam of light is called regular reflection. Images are formed by regular reflection. देखो कोई smooth या polished surface है, right? Smooth means जो plane mirror है, for example plane mirror में आप अपना face देखते हो, right? तो वहाँ पे कैसे होता है कि parallel beam of rays incident होते हैं, यही direction में parallel beam of light reflect करेंगे. ऐसा नहीं कि इधर जाएगा एक उधर जाएगा, जितना parallel beam of light जितने angle से वो incident होंगे उतने ही angle से वो reflected होंगे. और यहाँ पे first and second law दोनों भी prove होते हैं, I is equal to R, right? ठीक है, तो ऐसे फेनोमिना जिसमें beam of light smooth surface पे strike होते हैं highly and smooth surface पे और वो reflected back होते हैं parallel beam में, right? तो ऐसे type का reflection को बोला जाएगा regular reflection. When you hold a cardboard in front of you, you will not able to see your face in it. This is because entire light that falls on the surface is reflected in all direction in a scattered manner. आप अपने face के पास सामने cardboard रखो, आपको अपना face दिखेगा नहीं दिखेगा, because एक तो cardboard क्या है, rough surface है, plus वो polished surface नहीं है, plus उसमें क्या होता है कि जो incident rays उसके ऊपर fall तो हो रहे, like ये rough surface है. आप कार्डबोर्ड का एग्जांपल हो या कोई भी रफ सरफेस का एग्जांपल हो, राइट? तो ये रफ सरफेस में क्या होता है, होल्स प्रेजेंट होता है, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, राइट? हिल एंड वैलीज प्रेजेंट होती है, राइट? अप एंड डाउन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लाइट का ज़्यादा होता है बट रिफ्लेक्शन कम होता है. प्लस ये पैरेलली इंसिडेंट तो हो रही है रेज, बट ये रेज पैरेलली रिफ्लेक्टेड नहीं होंगे, राइट? एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट? वो रिफ्लेक्टेड, वो इंसिडेंट होने के बाद सारे रेज डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, राइट? तो ये हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज मीन्स यहाँ पे रफ सर्फेस में ज़्यादा लाइट का जो इंसिडेंट रेज होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट कम करता है, राइट? मीन्स डिफ्यूज हो जाता है, राइट? ऑल राइट, ये इसलिए उसको इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है. ओके, सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. द फेनोमेना ड्यू टू विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन अ रफ सरफेस, पैरेलली वो स्ट्राइक तो हो गए, राइट, रफ सरफेस पे, बट वो रिफ्लेक्टेड होते हैं वेरियस डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज अ इरेगुलर और अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. हियर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इज अ इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू अ फेल्यूर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इट इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड. देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेकेंड एंड फर्स्ट लॉ प्रूव नहीं होता है, राइट? जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रूव होता है, बट ये मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे, इरेगुलरिटीज की वजह से रफ सर्फेस में जो स्कैटर्ड जो रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो स्कैटर हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट? तो मेन पॉइंट ये मेन जो कंसेप्ट है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में वो ये है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो लॉज फॉलो नहीं करते, राइट? रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो हो गए, बट यहाँ पर इरेगुलरिटीज की वजह से जो इंसिडेंट रेज है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस दिया गया है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का. नेचर क्या है, नेचर सरफेस का होगा स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड, यहाँ पर रफ सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलली रिफ्लेक्टेड हो गया. ओके, बट यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज है वो इरेगुलर डायरेक्शन में हो गया, पैरेलली नहीं हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा. इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर सकते हैं हम लाइक प्लेन मिरर, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट? बिकॉज रफ सरफेस है. ओके, नेक्स्ट वन, ल्यूमिनेंस और नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट. ये आपने 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो. ल्यूमिनेंस मीन्स जो ऑब्जेक्ट अपने खुद की लाइट प्रोवाइड करेगा उसको बोला जाएगा ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट, एंड जो ऑब्जेक्ट अपने खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा, इमेज नहीं करेगा, उसको बोला जाएगा नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट.
We have learned that objects like sun, star, burning candle, glowing tube light, lighted electric bulb, they give out their own light, that is known as a luminous object. Objects that do not emit light, their own, like chair, table, bird, plants, are called non-luminous objects. Most of the objects around us are non-luminous. हमारे surrounding area में कितने सारे ऐसे objects हैं वो non-luminous हैं, फिर भी वो हमें दिखता है, because luminous object उसके ऊपर light गिराता है, वो हमारी eyes तक reflect होता है, इसलिए हमें वो दिखता है. You can see non-luminous object only when light coming from luminous object fall on them. This light falling on non-luminous object is reflected back in all direction. When this reflected light enter your eyes, you are able to see non-luminous object. This is how you are able to see pura world around you. इसकी वजह से ही पूरा वर्ल्ड में जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है हम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लाइट गिराता है, रिफ्लेक्टेड होकर हमारे आइज तक पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आपको पता है मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, फिर भी वो हमें दिखता है, बिकॉज वो सन की लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. डू नॉट हैव इट्स ऑन लाइट. व्हेन सन लाइट फॉल ऑन द मून, इट रिफ्लेक्ट द सन लाइट इन टू योर आइज एंड यू आर एबल टू सी द मून. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस. हमने ऐसा तो स्टूडेंट देख लिया कि वन प्लेन मिरर है उसमें हमारा फेस दिखेगा तो हमारा एक ही फेस दिखेगा, राइट. बट अगर दो प्लेन मिरर रख दे तो हमारा दो फेस दिखता है, दो इमेजेस दिखता है? नो, एक्चुअल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है. तो मल्टीपल इमेजेस क्या है वो आपको दिखाया है. यू माइट बी थिंकिंग व्हेन वन प्लेन मिरर फॉर्म अ वन इमेज, देन टू प्लेन मिरर टुगेदर विल फॉर्म अ टू इमेज. हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू. By varying the angle between two mirrors, you may get any number of image. अब जैसे मिरर का एंगल चेंज करोगे, दो या दो से ज़्यादा मिरर का, उसके हिसाब से आपको इमेजेस फॉर्मेशन हो गए. ऑलराइट, हाउ डू यू सी योर बैक आफ्टर हैविंग अ हेयर कट और आफ्टर गेटिंग अ न्यू हेयर स्टाइल डन? व्हेन यू विजिट अ सैलून और अ ब्यूटी पार्लर, यू आर मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर. आपके आप जब सैलून में जाते हो या हेयर कट करवाने के लिए जाते हो तो आपको पता है कि आपका जो जो हेयर ड्रेसर होता है वो क्या करते हैं कि हमारे बैक साइड पे मिरर रखते हैं हमारी हेयर स्टाइल कैसी बनी है वो देखने के लिए, राइट. आफ्टर योर हेयर कट द हेयर ड्रेसर होल्ड द मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ हेयर हैज़ बीन कट. सो यू नीड टू टू मिरर्स टू सी अ बैक ऑफ योर ऑन हेड. इसलिए दो मिरर्स हुए, एक फ्रंट साइड पे होते हैं और एक बैक साइड पे वो रखते हैं हमारे हेयर कट पीछे से कैसे कट हुए वो देखने के लिए, राइट. तो ये दो मिरर क्या हुए, पैरेलली हुए, राइट. तो ऐसे ही मिरर का आप एंगल जैसे चेंज करोगे उसके हिसाब से आपको इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे. व्हेन टू मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल, मैनी इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर सीन. दिस इज बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर अदर मिरर. Many images form in this manner are called multiple images. Like देखो यहाँ पे दो मिरर रखे हैं, राइट. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कोई भी आप रख सकते हो, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे गिरेगा. अब यहाँ से भी स्टार्ट समझो या यहाँ से भी समझो, राइट, दोनों सेम ही है. तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे गिरा, फिर ये जो इमेज है वो किसका है, इस ऑब्जेक्ट का, राइट. दूसरे मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे सेकेंड इमेज मिला, फिर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए, राइट. ये दो ही मिरर है लेकिन यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर है, राइट. ये डिफरेंट एंगल पे रखा है, ये कॉर्नर बन रहा है दोनों मिरर का, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसके लिए, ये सेकेंड इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसके लिए, ये थर्ड इमेज, राइट. By varying the angle between two mirrors, you can get any number of images. Let us see how combination of plan mirror work. When object is kept in between two mirrors placed perpendicular to each other, three images. ये दोनों mirror को कैसे रखा है, perpendicular रखा है, right? तो three images formation हुए. When a pair of mirror is placed parallel to each other, the infinite number of images are formed due to multiple reflection. But आप दो मिरर को पैरेलली रखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं. एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन अ एंगल बिटवीन अ टू मिरर एंड कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. अगर आपको कितने इमेजेस मिल रहे हैं वो कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ इमेजेस एंड इज इक्वल टू 360 मीन्स पूरा, राइट. 360 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन टू मिरर, आपने कौन सा एंगल बनाया,
-1 इसीलिए कई बार क्या होता है इमेजेस ओवरलैप हो जाते हैं। और राइट, इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय आपने थीटा, ये थीटा की साइन है राइट। टू आपने दो मिरर के एंगल कितने बनाए, -1 राइट। अगर 90, दो मिरर को 90 एंगल पे रखोगे तो आपको 3 इमेजेस मिलेंगे, दो एंगल को दो मिरर को आप 60 एंगल, दो मिरर को आप 60 एंगल पे रखोगे राइट, तो 5 इमेजेस मिलेंगे। जीरो मीन्स पैरेलली रखोगे तो इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगे। देखो 360 डिवाइड बाई 90 -1 राइट, 360 डिवाइडेड बाई 60 -1, 360 डिवाइड बाई 0 -1 राइट। तो आपको पैरेलली रखा है ये दो मिरर, आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलेंगे राइट। तो आप ऐसे इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, इसका यूज़ कहाँ पे होता है राइट, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है राइट। तो उसके लिए आपको कैलिडोस्कोप, आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा है या कई बार फिजिक्स के लैब में जनरली प्रोजेक्ट में भी आपको दिया जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो आप घर पे भी ऐसे बना सकते हो राइट। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। कैलिडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू मिरर, इसमें दो मिरर होते हैं जो 60 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। द मिरर फॉर्म अ मल्टीपल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, और ये मिरर जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसका मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन करके देता है। दिस क्रिएट अ ब्यूटिफुल पैटर्न विच चेंज द वैन कैलिडियोस्कोप इज रोटेट और अ शाइन। जनरली क्या होता है, जब आप कैलिडियोस्कोप को रोटेट करते हो तो उसके अंदर मिरर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है राइट। तो इसके जैसा ही हुआ राइट, यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। हमने थ्री मिरर या टू मिरर रख के भी आप कर सकते हो राइट। तो हमने जो ऑब्जेक्ट अंदर रखा है उसकी ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगी राइट। और इसी पैटर्न को जनरली जो इंटीरियर डिजाइनर वाले होते हैं राइट, वो वॉल पेपर का पेंटिंग करना है आपको, फैब्रिक का पेंटिंग करना है, या आर्टिस्ट होते हैं, ये सब ऐसे ही डिवाइस का यूज़ करते हैं पैटर्न को समझने के लिए। पैटर्न कैसी, पैटर्न जो नई पैटर्न होती है तो जनरली उसको पहले से आइडिया नहीं होता है, बट ये डिवाइस का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का उसको आइडिया आता है। ओके, डिजाइनर्स ऑफ वॉल पेपर फैब्रिक एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडिया फॉर अ न्यू पैटर्न। देखो आपको यहाँ पे दिया है हाउ टू मेक अ कैलिडोस्कोप, उसके लिए 3 इक्वल साइज के मिरर स्ट्रिप, सेलो टेप, सम कलर ग्लास पीस, और शीट ऑफ स्टिफ पेपर, और शीट ऑफ गिफ्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड। सबसे पहले क्या करना है, 3 इक्वल साइज की जो मिरर की स्ट्रिप है वो कट कर देनी है, और उसको सेलो टेप की हेल्प से आपको तीनों को ट्राइंगल शेप में जॉइंट कर देनी है। बट जो शाइनी सरफेस है वो एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए, इनर साइड है वो शाइनी सरफेस रहनी चाहिए। अभी क्या करना है, अभी ये देखो ट्राइंगल बन गया, अभी ये दोनों एंड ओपन है राइट। अभी क्या करना है, आपको ये कार्डबोर्ड से कवर कर देना है राइट। कार्डबोर्ड से, जो स्टिफ कार्डबोर्ड है उसे कवर कर देना है, एंड उसके ऊपर सेलो टेप लगा देनी है। अभी क्या करना है, ये जो आपने ट्रायंगल पे सेलो टेप लगाई थी उसके ऊपर गिफ्ट पेपर रैप करना है राइट। अभी ये जब यहाँ पे हमने वन एक जो सिंगल पॉइंट है वहाँ पर, ये जो पोर्शन है वहाँ पे हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, बट अभी ये सेकंड पोर्शन पे आप कार्डबोर्ड लगाओ उससे पहले आपको बैंगल्स या जो ग्लास, कलर ग्लास है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डालना है, और फिर यहाँ पे फिर कार्डबोर्ड लगा देना है, और बीच में आपको होल करना है राइट, उसके अंदर जो पैटर्न बनेगी वो देखने के लिए राइट। और ये पूरे को हमें गिफ्ट पेपर, जो कलरफुल गिफ्ट पेपर आता है उसे रैप कर देना है। ओके, तो अभी क्या आपको ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे आप रोटेट करोगे, शेक करोगे, तो यहाँ से आप देखोगे, आपने यहाँ से होल किया है तो अंदर बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा राइट, क्योंकि अंदर कितने ग्लास है, 3 मिरर है राइट। 3 मिरर में हमने जो ब्रोकन ग्लास पीस रखा है या बैंगल्स रखी है, जैसे आप रोटेट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्मेशन होगा राइट। ये किसका प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। ऑब्जर्वेशन, लुकिंग थ्रू द होल यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न, व्हेन यू रोटेट द ट्यूब सो स्लोली यू कैन सी चेंजिंग ब्यूटीफुल पैटर्न। कंक्लूजन, द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट यू सी इन अ कैलिडोस्कोप आर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूज कहाँ पे होते हैं, एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।